नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टोकन के बारे में जिसे दुनिया की हर सरकार प्रमोट करना चाहेगी। तो दोस्तों, वो टोकन है आइरिना ग्रीन एनर्जी टोकन। तो जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज को प्रमोट करता है, यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप इसमें इनका दिया हुआ IGE सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, और जितना ज्यादा आप उस व्हीकल को ड्राइव करेंगे उतने ज्यादा आप IGE टोकन को अर्न करेंगे। उसके अलावा IGE टोकन को अर्न करने का दूसरा रास्ता है सोलर पैनल। दोस्तों, आप सोलर पैनल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोलर पैनल जब आप बाय करते हैं तो उनके साथ आपको इनका दिया हुआ एक हार्डवेयर अटैच करना होगा। तो जैसे जैसे आप ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करके उसको यूज करेंगे उतने ज्यादा आप IGE टोकन अर्न करेंगे। तो दोस्तों, ये यूजेस था जो ये स्टार्टिंग में लेके इसके साथ इन्होंने शुरू किया था। लेकिन उसके अलावा धीरे धीरे IGE टोकन को अर्न करने के और बहुत सारे रास्ते निकाले गए। तो दोस्तों, IGE टोकन जो है वो आप ड्राइव टू अर्न के अलावा और भी तरीकों से अर्न कर सकते हैं, उसको माइन कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें आप इसको स्टेक कर सकते हैं। जब आप इसको स्टेक करेंगे तो भी आपको इसमें टोकन मिलेंगे। उसके अलावा आइरिना प्ले टू अर्न है, उसके अलावा आइरिना मूव टू अर्न है, उसके अलावा आइरिना ड्राइव टू अर्न भी है जो हमने डिस्कस किया था, और उसके अलावा आइरिना स्टोर भी बने हुए हैं। दोस्तों, ये एक वेब थ्री स्टोर है जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, और किसी भी KYC या किसी भी चीज की आपको वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह दोस्तों, आइरिना जो है एक फुल फ्लैज इकोसिस्टम जो है बन गया है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ आइरिना ड्राइव टू अर्न था, लेकिन उसके बाद इन्होंने और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर दी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब आप ये IGE टोकन अर्न कर लेते हैं तो आप इसको स्वॉप कर सकते हैं आइरिना टोकन के लिए। एक स्वॉप पे जाना होगा और वहां पे आप IGE टोकन को आइरिना ग्रीन टोकन में स्वॉप कर सकते हैं। 1024 IGE टोकन के बदले आपको एक आइरिना ग्रीन टोकन मिलेगा, और उसके अलावा दोस्तों आप उसको डायरेक्ट मार्केट से बाय कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। तो दोस्तों, जिस तरह से ये ग्रीन एनर्जी को पुश करता है, जिस तरह से ये हेल्थ को पुश करता है, उस हिसाब से हर देश की सरकार जो है ऐसे टोकन को प्रमोट करना चाहेगी। एक बहुत अच्छे सिस्टम के साथ इन्होंने मार्केट में एंट्री करी है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसके जरा स्टेटिस्टिकल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ दोस्तों एक टोकन है, जिसकी टोटल सप्लाई 18,500 करोड़ आइरिना ग्रीन टोकन है, और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो अनलिमिटेड है दोस्तों। ये एक छोटा सा इसमें ड्रॉबैक है। और अगर हम इसके होल्डर काउंट की बात करें तो 41,500 इसका होल्डर काउंट बन चुका है। और उसके अलावा अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें दोस्तों, तो वो भी 18,500 करोड़ टोकन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में अभी इसका रैंक एस्टेब्लिश हो नहीं पाया है दोस्तों। और अगर हम पिछले 24 घंटे में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो सिर्फ 284 US डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें अभी बहुत कम है। लेकिन जिस तरह का यूजेज और ये सारी चीजें लेके ये सामने आ रहे हैं दोस्तों, उस तरह से ये एक अच्छा फ्यूचर जो है वो प्रोमिस करता है इस टोकन के लिए। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 97% नीचे चल रहा है, जो आज से तकरीबन 8 महीने पहले बना था। और अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो वहां से ये तकरीबन 6,500% ऊपर चल रहा है, जो ये आज से तकरीबन 6 महीने पहले बना था। तो दोस्तों, हमने इसके चार्ट को भी देखा तो अभी उसमें उतनी ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रही है। उसका कारण भी ये सामने है कि ये एक रिलेटिवली नया टोकन है और अभी ये धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बना रहा है। इन्होंने एक अपना रोड मैप भी तैयार किया है जो इनकी वेबसाइट पे जाके देखा जा सकता है, और उस पे ये लोग काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेशन दूंगा कि ये इन्होंने एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको और प्रूव करना है। तो उस केस में अगर आप अग्रेसिव बायर हैं तो 500-700 हजार 2,000 पे आप इसमें इन्वेस्ट करके वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है गिवन द यूजेस ऑफ दिस टोकन। जिस तरह से ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है, जिस तरह से ये मूव टू अर्न, प्ले टू अर्न, स्टेक टू अर्न,
ड्राइव टू अर्न इस तरह की चीजें लेके जो ये चल रहा है, तो इसमें एक अच्छा फ्यूचर जो है वो देखा जा सकता है। अभी स्टार्टिंग में जो इसका सिचुएशन है उस हिसाब से ज्यादा रिस्क लेना इसमें जो है वो खतरनाक होगा। अपनी लिमिट के अंदर इस टोकन में रिस्क लें, उतना ही लें रिस्क जो आप उसमें हैंडल कर पाए, क्योंकि ये अच्छा कर सकता है लेकिन उसी के साथ साथ ये टोकन रग पुल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था एरिना टोकन आपके लिए। जुड़े रहे हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।